काऊ कौवा है क्या आ गुटे मांस खिला जाओ ये का है वो इटा का है इटा सो है गाइस वेलकम बैक टू ए फ्रेश वीडियो। मैं विक्रम लेके आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मतलब बैकपैकर में। सो दोस्तों आज की वीडियो में मैं किसी जगह के बारे में नहीं बताने वाला हूँ या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला नहीं हूँ। बेसिकली ये वीडियो है कि मैं आज एक छोटा सा राइड पे जा रहा हूँ, मतलब वही कुछ 20-30 किलोमीटर की दूरी पर ही ये जगह मेरे घर से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सो अब मेरा यहाँ पर जाने का प्लान इसलिए हुआ क्योंकि कल रात से लेके अभी तक जम के बारिश हो रहा था, बहुत बारिश हुआ। सो वेदर भी थोड़ा ठंडा था और लॉकडाउन में मैं कहीं गया भी नहीं था। सोचा वेदर भी अच्छा है, संडे भी है, कुछ काम भी नहीं है, एक छोटा सा राइड पे चलता हूँ। अभी थोड़ा मैं जाके आता हूँ। अभी टाइम हुआ है 1:00, ठीक है, अभी टाइम 1:00, अभी बस कुछ ही टाइम में हम लोग रिटर्न आ जाएंगे, मैं और मेरा एक दोस्त जाने वाला है। ये रही पीछे मेरी गाड़ी, पहले मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ फिर मैं जाता हूँ। अभी हम चले, ये हुआ अपना गाड़ी। ये भाई इसका चल छोड़, क्रैम्प हो गया भाई, क्रैम्प हो गया। ओ शिट, बहुत गर्मी है मेरा भाई। अभी हमको जाना है, अभी अपने दोस्त को रिसीव कर लिया है तो अभी हम कुछ ही देर में निकल जाएंगे यहाँ से। अबे कहाँ गया वो, इधर देख। हाय। अभी हम कुछ देर में निकल के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको ये पता चल जाएगा, वीडियो को पूरा आगे देखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं जगह के ऊपर। दोस्तों ये है हमारा नया ब्रिज जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है इसका, अभी तो हम रास्ते में, ये थोड़ा दिखाने लायक था जो नया अभी बन रहा है, राउरकेला में डेवलपमेंट चल रहा है। ये थोड़ा दिखा दिए, कब तक बनेगा क्या पता, देखते हैं जितना जल्दी हो सके अच्छा है, हमारे लिए अच्छा दिखना है। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक नया हॉस्पिटल बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये जेपी हाइट्स है, ये देखिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का ये नया हॉस्पिटल है। यहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत ही ज़रूरत था क्योंकि गाड़ी अभी हमने यहाँ पे पार्क कर लिया है तो गाड़ी आगे जाएगा नहीं क्योंकि आगे रोड बहुत ख़राब है, टू व्हीलर जाने के लिए है। यहाँ पे हमने अपने गाड़ी रख लिया है, लॉक भी कर देते हैं। हाँ गाड़ी हो गया लॉक। अभी हम चले वो लोकेशन की तरफ, ये रोड थोड़ा कच्चा है नहीं तो हम पूरा गाड़ी ही ले जाते। हाँ एक्चुअली आज थोड़ा ह्यूमिडिटी है इसीलिए थोड़ा पसीना उसमें निकल रहा है क्योंकि गाड़ी में फुल एसी के अंदर बैठे थे तो अभी बाहर आए मतलब थोड़ा पसीना छूट रहा है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं, ये रास्ता थोड़ा ख़राब है भाई। ह्यूमिडिटी थोड़ा है यहाँ पे आज, पता नहीं क्यों है बट है, नॉर्मली यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होता है। चलिए चलिए थोड़ा सब्र कीजिए, दिखा रहे हैं आपको। चलिए देखिए ये जो कच्चा रास्ता था यहाँ पे हम गाड़ी लेके आते हैं फिर आने पॉसिबल थे ये रोड बहुत ही ख़राब है, गाड़ी यहाँ से आ नहीं सकती थी हमको खाली आना पड़ा। उफ इतना ह्यूमिड वेदर, इतना गर्मी भाई साहब। ओ भाई देखिए पीछे पूरा गांव का नज़ारा है, देखिए ये पूरा गांव ही गांव है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा रूरल एरिया है, अर्बन एरिया से थोड़ा दूर है। भाई ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और हाथ इसमें चप्पर का पेन कर रहा, प्रैक्टिस नहीं है ना ये सब पकड़ने का, अभी अपन बनेगा धीरे धीरे, अभी तो छोटा मोटा ब्लॉगर है, देखते हैं। और यहाँ पे आपको देसी चिकन खाने मिलेगा, ये देखिए देसी चिकन कहाँ है,
और ये पीछे मेरा आ रहा है दोस्त, जो कि अपना शक्ल बिल्कुल दिखाना नहीं चाहता है। भाई 70 हैवी पेन हो ची। कार भी हम ला सकते थे यहाँ पे, लेकिन बहुत रिस्की था। क्यों रिस्क में लाए भाई, दूर में रख लिया गाड़ी। अभी हम यहाँ पे आए हैं एक्चुअली मछली नहीं पकड़ने आए भाई, मछली आपको दिखाएंगे। हाँ भाई, एक तो पेन ऊपर से ही है। सो ये जगह कुछ ऐसा दिखता है, देखिए दिख रहा है ये जगह। हाँ देखिए ये जगह है, कल बारिश हुआ है इसलिए आज यहाँ पे सुबह मतलब अभी मछली बहुत मिल रहा है। तो वो देखिए मछली, यहाँ मछली खरीद रहे हैं लोग। पानी का लेवल भी थोड़ा बढ़ी, थोड़ा क्या बहुत ही बढ़ गया है। मैं उस दिन आया था तो पानी था ही नहीं, बहुत कम पानी था। सो आज पानी बहुत बढ़ गया है। सो यही था हमारा ये जगह, ये जगह इस साइड पर इसको बोलते हैं गर्जन, और वो जो साइड दिख रहा है ना वहाँ पर कहाँ है वो जो एरिया सब दिख रहा है ना, वो है अपना तरकेरा, और ये है तरकेरा पंप हाउस। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये देखिए। वैसे ये खाली रूरल एरिया है इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। सब सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। अरे बाबा भाई, कैमरा हमारा गिर ना जाए। सो अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे मेरे दोस्त को मछली उसने देखा है, थोड़ा उसको अच्छा लग रहा है मछली, तो हम नीचे भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या कैसा मछली है, क्या रेट चल रहा है। लेट्स सी। नहीं वीडियो करूँ चुप रहा, ये जगह तो छाड़ी भी तो यूट्यूब रे सेट लगी। हाँ आम आस पूरा जो तरकरा से पड़ो बस्ती नहीं कॉलोनी विद्युत कॉलोनी जानी छो। हाँ देखी थी तो है दे, हमारा दादा पीछे बैठे हैं जंप करेंगे, अभी बोल रहे हैं आप जंप मत कीजिए, अभी पानी थोड़ा कम हो जाएगा तभी जंप कीजिएगा। नहीं नहीं आप बैठिए थोड़ा वहाँ पे चिल मारिए। और भाई क्या नाम है आपका? कुमार। क्या? कुमार। कुमार यहीं पास में रहते हो क्या? नहीं मैं थोड़ा बामड़ा से का हूँ। ओह बामड़ा से हो, अच्छा यहाँ पे आज मछली लेने आए हो? हाँ अभी बस मेरे बड़े मामा के घर पे आया हूँ ना। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। चलिए हम भी देखते हैं थोड़ा मछली का क्या भाव है कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ भाई, नहीं ये सेकंड टाइम है। ओ आए थे दो दिन पहले, तो रास्ता कहाँ से है? इधर से जाना पड़ेगा, पानी में जाना पड़ेगा। ओ नहीं इधर है ना रास्ता। सो हमारे कुमार भैया हमको लेके जा रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कैसा मछली है। ये बहुत स्लीपर एरिया है, सो पैर कैमरा वगैरह सब संभाल के जाना पड़ेगा, नहीं तो बेटा गिर गए। खतरा एरिया है जबर का। वाओ हाँ हाँ देख के गए ए ले बेटा, तो बड़ी खतरा एरिया है भाई। हाँ बहुत ही खतरा है, गिरेंगे तो मेरा सेटअप पूरा पानी में। नहीं उधर से रास्ता है ना उधर से। ओह तो हमको दिखाया कुमार भाई ने रास्ता, बस बस सेफली आ गए हम। ओह भाई इतना मेहनत करके आ रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। हम लोग तो यहीं पास में से हैं, उधर से हैं। हाँ सो अभी हम आ गए हैं जहाँ पे टोटल मछली उछली पकड़ते हैं, देखते हैं कैसा मछली है, फ्रेश मछली है, बारिश से पकड़ा हुआ है मछली। हाँ हाँ
वो देखिए उधर तरकरा पंप हाउस है और ये अपना डैम है, जो गेट है ये अपना गेट है। उधर से मछली आता है, यहाँ पे जाली लगाया जाता है, फिर वहाँ से मछली पकड़ के यहाँ पे फ्रेश मछली बेचते हैं। ये देखिए ये फ्रेश मछली है। कौन सा मछली है चाची? ये बड़का बका बाटा, क्या रेट है इसका? 120। देखिए ये बाटा मछली है, इसका रेट कुछ 120 है। ये चाची दे रहे हैं और ये फ्रेश है पूरा, बिल्कुल अभी पकड़े ना। हाँ अभी पकड़े हैं, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप आइएगा यहाँ पे। और देखिए वहाँ पे वो छोटा सा बोट है, उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसमें जाके वो लोग मछली पकड़ते हैं। देखिए कितना मतलब जान को अपने रिस्क पे देख के वहाँ पे जाके मछली पकड़ते हैं। सो यहाँ पे जब भी आप आते हैं ना तो कभी भी बार्गेनिंग मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए वैसे नॉर्मली यहाँ पे तो हवा चलता है, बट बहुत ही ह्यूमिड वेदर है आज, इसीलिए गर्मी मतलब भयंकर लेवल का गर्मी हो रहा है। ये टी शर्ट मेरा पूरा मतलब पसीना से पीछे हो गया, नहीं दिखा सकता ऐसे, बट बहुत ही पसीना निकल रहा है। हाँ काऊ कौवा है क्या? ये का है वो? इटा का इटा? दोनों बड़े खतरा मछली है भाई, नाम नहीं पता क्या मछली, लेकिन बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। कल परसों किसी के पेट में जरूर जाएगा, किसका पेट में जाएगा? पक्का जाएगा, जाएगा। देखते हैं किसका। नहीं अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, देखिए पीछे आप देख सकते हैं। ये देखिए सीढ़ी बड़ी भयंकर सीढ़ी है ये, आप भी कुछ ये देखिए कितना स्टीप है ये सीढ़ी, देखिए। ओ भाई जिम में जाना पड़ेगा। ए भाई चाचा, ये आपका गांव का वीडियो आएगा यूट्यूब में? यूट्यूब में आपका गांव का वीडियो आएगा? इतना लंबा सीढ़ी, थक गए रे भाई। यहाँ पे चाची आपका डेली का हैबिट हो गया है ना, हम तो आज दूसरा बार ही आए, ठीक है। हाँ वही तो। सो अभी ये जगह तो आपने देख लिया, ओह निकल रहे हैं हम अभी यहाँ से गर्जन एरिया। सो अभी ख़त्म हो गया हमारा आज का लोकेशन घूमना, ये एक शॉर्ट ड्राइव था।